दोस्तों आज हम बात करने वाले कंटेंट राइटिंग जॉब वैकेंसी के बारे में, जो कि कंटेंट राइटिंग है। सिर्फ आपको टाइपिंग का स्किल रहना चाहिए आपके पास, आप इस जॉब को कर सकते हो। आपका क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं मांगा गया। अगर आप 10th पास हो, 12th पास हो, तो भी आप इस जॉब को कर सकते हो। आपके पास टाइपिंग की अच्छी खासी स्किल होनी चाहिए, जो कि एक नॉर्मल स्पीड पे भी आप इस जॉब को कर सकते हो। आपकी टाइपिंग की स्किल थोड़ी रहनी चाहिए आपके अंदर, कि आपको टाइपिंग करने में इंटरेस्ट होना चाहिए, बस आप इस जॉब को कर सकते हो। और अगर आपके पास अभी तक कोई स्किल नहीं है, तो भी आप इस काम को सीख सकते हो। जल्द से जल्द सीख कर आप इस जॉब को ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए आगे वीडियो में बताते हैं आपके एक्सपीरियंस क्या होने वाली है, आपकी सैलरी कितनी रहेगी, और आप इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करोगे, आप इस जॉब को ज्वाइन कैसे करोगे, आपकी इंटरव्यू कैसे होगी, सारी चीज़ इस वीडियो में बताने वाले। तो वीडियो क्लास से जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि हम जितने भी जॉब और वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो डाले, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि ये फॉर्म कौन लोग भर सकते हो। तो अगर आप एक इंडियन सिटीजन हो, आप गर्ल हो या फिर बॉय, आप दोनों इस फॉर्म को भर सकते हो। गर्ल बॉय दोनों के लिए ये वैकेंसी आई हुई है, जहाँ पर कंटेंट राइटिंग का काम आप कर सकते हो। और अगर बात करें एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पे बिल्कुल फ्रेशर लोग भर सकते हो। आपको कहीं भी किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। बस एक चीज़ आपके पास रहना चाहिए, कि टाइपिंग का स्किल आपके पास होना चाहिए। आपको टाइपिंग करना आना चाहिए, यहाँ पे कंटेंट राइटिंग करना और ग्रामेटिकली मिस्टेक्स को पहचानने हैं आपको। और अगर बात करें सैलरी की, तो सैलरी यहाँ पे डिस्क्लोज्ड है। अभी बताया नहीं गया है कि सैलरी आपकी कितनी रहेगी। आपकी जब इंटरव्यू होगा, आपकी स्किल चेक की जाएंगी, उस समय आपकी सैलरी आपको फिक्स करके बता दी जाएगा। और एक बहुत अच्छा खासा आपको सैलरी मिलेगा, 20,000 से ऊपर मंथली की सैलरी यहाँ पे रहेगी आपकी। और अगर बात करें किसी क्वालिफिकेशन की, तो आपको क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अगर आप 10th पास हो या फिर 12th पास हो, कोई भी हो, आप इस जॉब को कर सकते हो। या फिर अगर ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट कुछ भी हो, तो आप इस जॉब को कर सकते हो। और सबसे ज़रूरी बात, ये जो जॉब है वो इंटर्नशिप पर है। आपको पहले 2 महीने की ट्रेनिंग पर रखा जाएगा, वहाँ पर आपको चेक किया जाएगा कि आप कैसे हो, मतलब कि आपकी 2 महीने की एक्सपीरियंस क्या रहेगी या फिर कैसे रहोगे। अगर आपकी एक्सपीरियंस अच्छी रहती है, तो आपको परमानेंट के लिए रख दिया जाएगा, नहीं तो आपको 2 महीने के बाद आपको टेम्परेरी के लिए रखा जाएगा। आप जब तक चाहो तब तक इस जॉब को कर सकते हो। और अगर आपके एक्सपीरियंस बहुत अच्छे दिखते हैं, तो आपको हमेशा के लिए परमानेंट के लिए भी यहाँ पर रख दिया जाएगा। और अगर बात करें कि आपको यहाँ पे करना क्या होगा, तो यहाँ पर आपको जो है कि मिस्टेक्स को चेक करना पड़ेगा। इनके जो कंटेंट रहेंगे, उनके मिस्टेक्स को चेक करना पड़ेगा। डेटा रहेगा उसमें, आपको ग्रामेटिकली मिस्टेक्स चेक करना पड़ेगा, राइटिंग वगैरह कि आपके सब सही हैं कि नहीं है। और दूसरी बात कि यहाँ पर SEO की नॉलेज आपके पास होना चाहिए। पर डे 1000 से भी ज़्यादा वर्ड आपको यहाँ पर टाइपिंग करना पड़ेगा। आपका कोई टाइम बाउंडेशन नहीं रहेगा कि आपको कितना काम करना है पर डे। बस आपको 1000 से ज़्यादा टाइपिंग वर्क करके इनको देने पड़ेंगे कंपनी को। और 10 बजे रात से पहले ही आपको इस जॉब को करके पूरा आपको देना पड़ेगा। दिन भर में आप कभी भी इस जॉब को कर सकते हो। रात के 10 बजे से पहले तक के ही आपका एक डेट जुड़ा जाएगा इसमें। और आगे बात करते हैं यहाँ पे कि SEO के, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है या फिर कोई नेट से आपकी नॉलेज नहीं, तो आप इस नॉलेज को कहाँ से लोगे। तो यूट्यूब पे बहुत सारी ट्यूटोरियल है, जहाँ पर कि SEO की नॉलेज भी आप ले सकते हो, और साथ ही टाइपिंग आप कैसे जल्द से जल्द करो, इसके भी ट्यूटोरियल आप यूट्यूब से ले सकते हो। तो यूट्यूब के सर्चिंग से आप इस सारी चीज़ों को देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं स्किल की, स्किल आपके पास कौन सी होनी चाहिए। स्किल आपके पास वर्डप्रेस की होनी चाहिए, जो कि स्किल आप इसको सीखने के लिए यूट्यूब के ट्यूटोरियल पे जा सकते हो। 1 से 2 दिन के अंदर ही आप इसको सीख सकते हो। आपके पास हल्की इंग्लिश भी आनी चाहिए, और आपको कंप्यूटर से थोड़ी बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए आपके पास। और सबसे मेन बात कि आपके पास टाइपिंग की स्किल होनी चाहिए। ये जो जॉब है पूरा बेस्ड है आपके टाइपिंग के ऊपर, कि आपकी टाइपिंग की स्पीड या फिर टाइपिंग की स्किल कितनी है। तो वहाँ पर अपनी टाइपिंग की स्किल को आप इंक्रीज करिए, जिसमें कि जॉब में आपको प्रमोशन भी ज़्यादा मिलने के चांस रहेंगे, और आपके परमानेंट होने के भी चांस भी ज़्यादा रहेंगे। अब बात कर लेते हैं कि कंपनी कैसे लोगों को ढूंढ रही है। कंपनी का साफ कहना है, इनके साइट पर आप जाओगे तो वहाँ पर साफ साफ आपको पढ़ने को मिलेगा कि कंपनी वर्क फ्रॉम होम लोगों को ढूंढ रही है। और साथ ही आपके पास इंटरेस्ट होना चाहिए और टाइपिंग में स्किल होना चाहिए। और जो इस महीने में इस जॉब को स्टार्ट करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को ही कंपनी ढूंढ रही है। तो आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आपको थोड़ा सा भी टाइपिंग का स्किल है, तो आप फॉर्म अप्लाई करके अपने जॉब को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर जॉब लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं अगर आप अप्लाई करते हो। तो चलिए आप बता देते हैं कि आप इस जॉब को कैसे अप्लाई करोगे। तो दोस्तों अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, वीडियो को लाइक नहीं किए हो, तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जितने भी जॉब और वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो डाले, वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पर इस जॉब को अप्लाई करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर क्लिक करते ही कंपनी की वेबसाइट पर आप पहुँच जाएंगे। वहाँ अपना रिज्यूम सेंड कर सकते हो, वहाँ पर रिज्यूम बना सकते हो। बनाने के बाद सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद आपके पास एक ईमेल आएगा, जो ईमेल आप दिए रहेंगे, इस ईमेल पे आपको डेट बताया जाएगा और टाइम बताया जाएगा जिस समय आपका इंटरव्यू रहेगा। जब इंटरव्यू आपका होगा, इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके कम्युनिकेशन से, और आपके बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपको जवाब देने हैं। और बहुत सिंपल क्वेश्चन रहता है, आप आसानी से इसके इंटरव्यू को पास कर लोगे।
उसके बाद आपका जो है कि ज्वाइनिंग हो जाएगा, तो आपको ईमेल के माध्यम से बता दिया जाएगा, आप अपने काम को वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट कर सकती हो। अगर आप 2 महीने के इंटर्नशिप पे इस जॉब को कर लेते हो लेकिन अगर आपके सिलेक्शन नहीं होता तो क्या होगा, तो इसमें आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है कि आपके पास एक्सपीरियंस है, और दूसरा बात है कि आपको रिकमेंडेड सर्टिफिकेट दिया जाता है कि अगर आप किसी भी कंपनी में जाओगे तो वहाँ पर एक्सपीरियंस के बेस पर आप इसको लगा सकते हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नए जॉब वैकेंसी के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जितने भी अगले वीडियो डालें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और जल्द से जल्द आप अप्लाई कर सको और आप भी जल्द से जल्द जॉब पा सको। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नए जॉब वैकेंसी के साथ।